कोरोना से मुक्ति पाने के लिए देश में अभी और तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वैक्सीन लगने भर से ये महामारी इंसान का पीछा छोड़ देगी या ये महामारी कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे पोलियो, टीबी जैसी बीमारियां आज भी देश में है। अगर ऐसा होता है तो फिर खतरा कितना बड़ा है। जब बीमारी एक छोटे इलाके में फैलती है तो उसे आउटब्रेक कहते हैं। ये स्टेज कैसे एपिडेमिक, पैनडेमिक और एंडेमिक में बदलती है। जानकारों के अनुसार जब कोई बीमारी 6 अलग अलग स्तर से गुजरती है तब जाकर वो पैनडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी में बदलती है। 5वें स्तर में चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कोरोना इन 6 स्तरों से भी आगे बढ़ सकती है या बढ़ने की राह पर है और उस स्तर का नाम है एंडेमिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है भारत में कोरोना एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। साधारण शब्दों में कहें, कोई भी वायरस जब एंडेमिक स्टेज में आता है तो वो इंसानी आबादी के साथ रहना सीख जाता है, मतलब वायरस से लोगों की जान को खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन अभी दुनिया महामारी की स्थिति में है, ऐसे में ये कहना कि भारत में कोरोना एंडेमिक स्टेज में है जल्दबाजी होगी। जब तक विश्व महामारी के दौर में है सभी देशों को इससे खतरा है। जब WHO दुनिया से इस महामारी के खत्म होने का ऐलान करेगा तभी हमें ये मानना चाहिए कि ये बीमारी एंडेमिक स्टेज में है।